हेलो हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ कुमार फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं आपके सामने मैकेनिकल का ऑल सब्जेक्ट्स लाऊंगा, जैसे सॉ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, थर्मोडायनेमिक्स, मशीन डिजाइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक, तो जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में जो भी मेन टॉपिक्स है वो मैं आपके सामने रखूंगा, थ्योरी के साथ और डेरिवेशंस के साथ। इसे सोम में हम जैसे बेसिक क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जैसे स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो ऑफर्ड करता है बाय द बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक, स्ट्रेन यानी डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी पर यूनिट, डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। यानी डिफॉर्मेशन इट मीन्स दैट कि इसका शेप और साइज चेंज होना जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक, अब जैसे इसी में आता है स्ट्रेस में कि जब हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में क्या होता है। तो फोर्स लगाने के कारण वो बॉडी हमारे फोर्स को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। जो रेजिस्ट करता है तो उस रेजिस्ट के दौरान उस बॉडी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है और यही इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे लिए स्ट्रेस कहलाता है। जो मैथमेटिकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करने तो स्ट्रेस इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो रेजिस्टिंग फोर्स सिग्मा, रेजिस्टिंग फोर्स यानी पी से डिनोट करते हैं या एफ से डिनोट करते हैं, और एरिया लेते हैं यानी इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, आप क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो एवरेज एरिया लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो हम स्ट्रेस को मैथमेटिकली लिखते हैं सिग्मा इक्वल टू पी बाय ए। ठीक, पी जहां रेजिस्टिंग फोर्स है ना कि फोर्स, और ए यानी एरिया, एरिया इट मींस सर क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉट अ सरफेस एरिया। ठीक, अब मैं अब एक स्ट्रेस और एक प्रेशर में एक मेजर डिफरेंस बताता हूँ जिसमें ज्यादा बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि स्ट्रेस और प्रेशर क्या होता है। तो स्ट्रेस भी कहते हैं कि रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वहां भी एक बात आती है कि फोर्स, और जब हम प्रेशर पढ़ते हैं तो वहां भी आती है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है वो रेजिस्टिंग फोर्स होता है, और प्रेशर में जो होता है वो हम लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स, यानी किसी बॉडी पे जो एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई होता है पर यूनिट एरिया में उसे हम कहते हैं प्रेशर। और इसमें जो स्ट्रेस होने जो होता है वो इंटरनल फोर्स होता है, यानी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, दैट्स ऑल।